भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मैं आज तुझसे भी चीख चीख कर भीख मांग रहा हूँ, तेरी तलवार में ताकत हो तो मुझे मृत्यु से मिला दे, मुझे मृत्यु के लिए मैं तरस रहा हूँ, मौत मेरे पास नहीं आ रही है। जानते हो मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, ये जल मैंने आज नहीं पिया था, हजारों वर्षों पहले पिया था। ना जाने कितने लोग दुनिया से चले गए, हजारों लोग दुनिया से विदा हो गए, मैं यहीं लाचार पड़ा हूँ, मैं मौत का इंतजार कर रहा हूँ सिकंदर। और हकीकत में बताऊँ, अरे इस जीवन से ऐसा जीवन, मैं तो कहता हूँ लोग मौत से डरते हैं, अरे ये जिंदगी तो मौत से भी बदतर जिंदगी हुआ करती है। मैं मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ, ए मौत आए और मुझे शरीर से मुक्ति दिलाए। ध्यान रखिए, सिकंदर ने सुना ये होता है अमरता। सोचिए पुणे वालों, यदि आप अमर हो जाएं तो कैसे जियोगे? बोलिए, मौत से तो डरते हो ना, यदि अमर हो गए मौत का इंतजार करोगे? अरे मौत बुरी नहीं है, मौत तो अच्छी चीज है। यदि मौत इस धरती पर नहीं होती तो बीमार काया लेकर कब तक जी रहे होते? यदि मौत इस धरती पर नहीं होती तो काया हमारे लिए बोझ बन गई होती। यदि मृत्यु ना होती तो दुखों से मुक्ति भी ना होती। ध्यान रखिए, मृत्यु तो हमें दुख से मुक्त करती है, मृत्यु तो अच्छी चीज है। मोबाइल खराब हो जाए उसकी बॉडी बदली जाती है, बॉडी बदलने के बाद रोते हो या खुश होते हो? बड़े खुश, अब ये बिल्कुल नया हो गया है। अरे मृत्यु भी तो हमारी पुरानी बॉडी को बदला करती है, इसमें रोने और घबराने की कोई जरूरत नहीं हुआ कर। मौत ना हो तो क्या होगा, एक बार घर में जाके सोचना। अभी तक यही सोचते हो, मर गए तो क्या होगा, चले गए तो। अब ये सोचो, मरेंगे नहीं तो क्या होगा, कितने रिश्ते निभाओगे? सोचिए, कितने लोग आए और चले गए, सबको दफनाते ही रहोगे, तुम्हारा नंबर कब आएगा? ध्यान रखिए, मृत्यु बहुत जरूरी है, मृत्यु वरदानी है। सम्राट सिकंदर कहते हैं पानी फेंक कर गुफा से बाहर निकल आया। उसने कहा नहीं, इस कौवे की तरह मुझे अपनी जिंदगी नहीं बनाना, मौत तो जरूर होगी। ध्यान रखना, जीवन में कुछ मिले या ना मिले, मृत्यु जरूर मिलेगी। पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, नाम मिले, ख्याति मिले, धन मिले ना मिले, पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बन पाओ या ना बन पाओ, ध्यान रखना, चाहे पढ़ लो लिख लो, दुनिया में कुछ मिले या ना मिले, इस आदमी को मौत जरूर मिला करती है। जो आया है वो दुनिया से एक दिन मरेगा जरूर, बच नहीं सकता कोई आदमी। ध्यान रखना, कितने आए कितने चले गए, किसका नंबर कब आ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। विचार करें, आदमी जन्मदिन मनाता है, हैप्पी बर्थडे, ध्यान रखना, जियो हजारों साल। यदि हजार साल का आशीर्वाद मिल गया तो क्या होगा तुम्हारा है? मौत को बुलाते रहो कि हे मौत तू आ जा, ये हैप्पी बर्थडे नहीं चाहिए। ध्यान रखिए मान्यवर, जन्म हो चुका है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मृत्यु बाकी है। ध्यान रखना, जो बीत गया उसका जश्न मनाते हो, खुशियां मनाते हो। मैं पुलक सागर आपको कह रहा हूं, जन्म की खुशियां मनाते हो, मनाते रहो, कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जो बीत गया उसकी खुशियां मनाने से अच्छा जो आने वाला है उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहिए, उसका वेलकम करने के लिए तैयार रहिए। मृत्यु तो आएगी, जो बाकी है उसका स्वागत करो, उसकी मौत की कुछ तैयारी कर रखी है या नहीं कर रखी है? ध्यान रख, जिंदगी का तो इतना बटोर रखा है, मरने का कुछ हिसाब किताब है या नहीं है? मौत आएगी, घबराओगे, पसीने छूटेंगे, ऑक्सीजन लगाओ, वेंटिलेटर लगाओ, अस्पताल ले चलो,
अरे नादानो कहीं भी चले जाओ मौत से। अच्छा एक बात मुझे बता दो, मैं अपने प्रवचन हमेशा को बंद कर दूंगा, कोई जरूरत नहीं गला फाड़ने से। कोई एक एड्रेस मुझे बता दो अंकुर जी, कोई एक एड्रेस मुझे दे दो जहां मौत नहीं पहुंचते हो। कोई ऐसा पता है, कोई खंडहर, आप तो महापौर रह चुके हैं, आसपास कोई गुफा हो, कोई गुप्त स्थान हो जहां जाके बैठ जाओ और मौत ना आए, ऐसा कुछ है क्या? कुछ डिब्बे में बंद हो के देखना एयर टाइट करके, मौत आएगी या नहीं आएगी, मौत वहां भी पहुंच जाती है, कहां बचोगे मौत से? ऐसा कोई स्थान है जहां मौत ना पहुंचे? एक बार क्या हुआ, यमराज धरती पे आ गए। ऐसे कोई यमराज आते नहीं है, कहानी झूठी है, गप है, सरासर झूठी, लेकिन कहानी का तथ्य बिल्कुल सही है। यमराज राजमहल में पहुंचे राजा को लेने के लिए, राजा का नंबर आ गया, और जैसे ही यमराज राजमहल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, झरोके पे दो कबूतर बैठे हैं, बड़ा गुटरगू कर रहे हैं, बड़े गोल गोल घूम रहा है कबूतर, बड़ी मस्ती कर रहा है। राजा ने, यमराज ने कबूतर की तरफ देखा, कबूतर सकपका गया, उसने कहा यार यमराज देख रहे हैं, इसका मतलब खेल। यमराज देखे, मुस्कुराए, अंदर चले गए। दूसरा दोस्त कबूतर बैठा था, उसने कहा यार जी यमराज मुझे देख के हंसा क्यों? बोले यार मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरा नंबर आ गया, यमराज की दृष्टि पड़ी है तुझ पर, आज तेरा आखिरी दिन है। कबूतर के तो होश उड़ गए, उसने कहा मेरे दोस्त कुछ बता, मैं मरना नहीं चाहता हूं, कुछ दिन जीना चाहता हूं, कुछ उपाय बता। तो नादान था वो कबूतर, वकील रहा होगा, अब वकीलों की सलाह तो ऐसे ही होती है। वकील ने कहा एक काम कर, तू उड़ जा, जब तक यमराज राजमहल से वापस लौटे, इतने दूर उड़ना, इतने दूर उड़ना कि यमराज को ढूंढने में 5-10 साल तो लग जाए, तू उड़ सकता है? कबूतर ने कहा मैं उड़ जाऊंगा। कबूतर ने पंख फैलाए, उड़ गया, इतनी दूर उड़ा, इतनी दूर उड़ा कि शायद जिंदगी में इतना नहीं उड़ा होगा जितना उस दिन कबूतर उड़ करके एक जंगल में जाके बैठ गया। कहते हैं कि यमराज राजमहल से जब लौटे, झरोखे की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दिए। दूसरे कबूतर ने पूछा यमराज अंदर गए तो बात समझ में आई, आप मुस्कुराए, लौट के आए फिर मुस्कुराए, बात क्या है इसमें, मुस्कुराने की के बाद क्या बात है झरोखे में? यमराज ने कहा वो तेरे साथ बैठा था ना एक और। बोले हाँ। बोले कहाँ गया? बोले जब मैं अंदर आया था तो उसे देख के मुस्कुराया था। बोले कारण क्या था? बोले मुझे हंसी इसलिए आई, बड़ा गुटरगू कर रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है पागल, थोड़ी देर बाद तो तुझे दुनिया से जाना है, इसलिए मुझे हंसी आई कि कितना नादान है, मौत से बेखबर होकर के जी रहा है। लौट के क्यों मुस्कुराए यमराज? बोले लौट के इसलिए मुस्कुराया कि आज हंसी मुझे इसलिए आई कि झरोखे में बैठा है, मरना तो इसी जंगल में है, यहां काय के लिए बैठा है, और लौट के इसलिए हंसी आई कि जहां उसे मरना था नादान उड़ के खुद वहां पहुंच गया, मेरे रास्ते और आसान हो गए, मैं तो ढूंढता इसे लेके जाता, वो खुद उड़ के चला गया, मरना तो उसे वहीं पर था। कहां बचोगे मौत से? जब तुम कहते हो ना अपोलो ले चलो, फलाने अस्पताल ले चलो, बोलते हो ना मरते समय इस अस्पताल में ले चलो, बंबई ले चलो, ये तुम नहीं बोलते हो, ये मौत बुलवाती है, क्योंकि मौत जानती है तुझे कौन सी अस्पताल के कौन से नंबर के कमरे में कौन से नंबर के बेड पे मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। आदमी स्वयं चल करके वहां पहुंच जाता है। कहां बचोगे? जहां भी मरोगे मौत इंतजार करेगी, ध्यान रखना, बच नहीं सकते जिंदगी, चले जाना बंबई, कलकत्ता, अमेरिका, तुम नहीं गए, मौत बुला रही है। ध्यान, आदमी की बुद्धि वैसे ही हो जाती है। एक बात याद रखना,
मरते समय अस्पताल गए तो जिंदगी का अच्छा जीवन अंत नहीं होता, और मरते समय किसी संत के चरण में चले गए तो मरना भी अमरता को प्रदान कराया दिया करता है, जीवन को सार्थक कर दिया करता है। सोचना है आपको क्या जिंदगी जीना, घिसट घिसट के 100 साल जी लिए, क्या हुआ हमारे जीवन से, वृथा जिए वृथा मरे। कुछ किया है हमने अपनी जिंदगी में अमरता के लिए, कुछ तो कर। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, मैंने बच्चे से पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, बोले स्कूल जा रहा हूँ। मैंने कहा स्कूल क्यों जाते हो, बोले पढ़ने के लिए जाता हूँ। आपको इतना भी नहीं मालूम, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, बता स्कूल क्यों जाते हैं, बोले पढ़ने जाता हूँ। मैंने कहा पढ़ता क्यों है, बोले कुछ बनने के लिए। मैंने कहा बनता क्यों है, बोले कुछ कमाने के लिए। मैंने कहा कमाता क्यों है, बोले खाने के लिए। मैंने कहा खाता क्यों है, बोले जीने के लिए। और जब मैंने उससे पूछा कि जीता क्यों है, तो बच्चे के पास कोई उत्तर नहीं था मेरे भाई। वो भी बच्चा कोई और नहीं, वो आप सब हो। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आप जीते क्यों हो, तो बच्चा तो छोड़ो, बड़ों बड़ों का भी इसका उत्तर मालूम नहीं हुआ करता है। बड़े बड़े चौंक चुप हो जाते हैं कि हम जी क्यों रहे हैं। कभी अपने आप से पूछना, जीने के लिए भोजन करते हो, लेकिन कभी पूछना कि मैं जी क्यों रहा हूं, ध्यान रखना। तो कुछ लोग कहेंगे सांस चल रही है इसलिए जी रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे मौत नहीं आ रही इसलिए जी रहे हैं। और एक बच्चे ने तो और बड़ा अच्छा जवाब दिया, मैंने कहा जीते क्यों हो, तो बोले मुझ में सुसाइड करने की हिम्मत नहीं है इसलिए मैं जी रहा हूं। अब ये जीना भी कोई जीना है मेरे भाई, आत्महत्या करने की ताकत नहीं है इसलिए मैं जी रहा हूं। बड़ा भद्दा चरित्र है ये तुम्हारे जीवन का। मान्यवर सांसों के लिए जी रहे हो, नहीं मेरे भाई, कुछ जियो जिंदगी में। क्या जीवन जीते हैं हम, सोमवार को पैदा होते हैं, मंगलवार को बड़े हो जाते हैं, बुधवार को विवाह हो जाता है, गुरुवार को बच्चे हो जाते हैं, शुक्रवार को बीमार हो जाते हैं, शनिवार को अस्पताल चले जाते हैं, और रविवार को दुनिया से। ये 7 दिन बेकार किए तूने, ध्यान रखना। फिर क्या करेगा जिंदगी में, हाय कुछ न कर सके न पीर पर की हर सके, हाय कुछ न कर सके न पीर पर की हर सके, रात बात में गई ओ प्रात खातु में गया, रात बात में गई प्रात खातु में गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया, हाथ थे मिले की जुल्फ चांद की सवार दूं, हाथ थे मिले की जुल्फ चांद की सवार दूं, पांव थे मिले की स्वर्ग भूमि पे उतार दूं, पांव थे मिले की स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। तो जब तलक कदम उठे जिंदगी फिसल गई, और हम खड़े खड़े गुवार देखते रहे, हाय कुछ न कर सके न पीर पर की हर सके, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। ध्यान रख क्या किया हमने जिंदगी में, खाया पिया मौज मस्ती की, दुनिया से विदा हो गए। ऐसा तो पशु भी जीता है, पशु भी दुनिया से विदा हो जाता है। बड़ा भद्दा चरित्र है आदमी का। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं है जो किसी के काम ना आ सके। ध्यान, मैं एक बगीचे से गुजर रहा था, गार्डन से, एक गुलाब का फूल खिला। मैंने उस गुलाब के फूल से पूछा, ओ फूल भाई तू क्यों जीता है, सुबह खिलता है शाम बिखर जाता है, तेरे जीवन का सार क्या है। मालूम है फूल ने क्या कहा, महाराज मेरे जीवन का सार मेरी खुशबू है, मेरी सुगंध है, मैं बिखरने के बाद भी लोगों को महकाया करता हूं, लोगों को आनंदित किया करता हूं, मेरी जिंदगी का सार इत्र है। फूल ने हमसे पूछा,
बताओ महाराज इस आदमी की जिंदगी का सार क्या है, ये भी तो 100 साल खिलता है बिखर जाता है, इसका सार क्या है। मेरे पास कोई उत्तर ना था। फूल बोला, संत जी कुछ तो बोलो। मैंने इतना ही कहा, ए फूल तेरी जिंदगी का सार इत्र है, तो हमारी जिंदगी का सार हमारा चरित्र हुआ करता है। ध्यान रखना, फूल बिखरता है, इत्र छोड़ जाता है, और आदमी जाता है चरित्र छोड़ जाता। चरित्र हमारी जिंदगी का सार हुआ करता है, ध्यान रखना। हमारे चरित्र में इत्र जैसी खुशबू होना चाहिए, ध्यान रखिए, दुर्गंध नहीं होना चाहिए। मान्यवर, एक संत थे, वो प्रवचन करते थे, अपने सामने एक खोपड़ी रखते थे, खोपड़ी शमशान से उठा लाया हो, मेरे पास जिनवाणी है वो खोपड़ी रखता था। लोगों ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है, आप तो पूरा हमारा पंडाल अशुद्ध कर देंगे, ये मशान की खोपड़ी लेके यहां आप बैठे हैं। संत ने कहा क्या करूं, इसके बिना मेरा प्रवचन ही नहीं होता है। बोले ऐसा कैसा प्रवचन? बोले बड़ा गजब का प्रवचन है, जब जब शास्त्रों को देखता हूं तो जिंदगी समझ नहीं आती, लेकिन जब इस खोपड़ी को देखता हूं तो जिंदगी समझ में आ जाया करती है। बोले मामला क्या है? बोले खिड़की खोपड़ी इसलिए रखता हूं, ये खोपड़ी कोई साधारण खोपड़ी नहीं है, ये खोपड़ी मेरे बाप की खोपड़ी है। तो बोले क्यों रखते हो? बोले मेरा बाप भी बड़ी छाती चौड़ी करके जीता था, मेरा बाप भी ऐसे जीता था कि मैं हूं तो दुनिया में कोई और नहीं है, लेकिन आज मैं देखता हूं जो सिर हमेशा ऊंचा रहा करता था, आज शमशान में लोगों के पैरों की ठोकरें खा रहा है। इसका मतलब यही है कि इंसान ज्यादा अकड़ मत, ज्यादा गर्व मत कर, पैरों पे ठोकरें खाने वाली आज जब मेरे बाप की ये हालत है, कल मेरी खोपड़ी की भी यही हालत होगी। घर से चला मुसाफिर, दिल में यही अरमान थे, एक तरफ बस्ती थी एक तरफ शमशान थे, पैर हड्डी पर पड़ा हड्डी के ये बयान थे, संभल कर चल मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी संभल कर चल मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे।